यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा ने फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर वालों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की ऑफिशियल वेबसाइट को गूगल क्रोम के अंदर ओपन करना है और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है दोस्तों uok.ac.in। इस वेबसाइट के माध्यम से आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वालों के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा का इंटरफेस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको डायरेक्ट करते हुए नीचे की तरफ आना है। जैसे ही आप नीचे आते हो तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, एग्जामिनेशन एंड रिजल्ट। एग्जामिनेशन एंड रिजल्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने एक और विंडो देखने को मिलेगी। अभी यहाँ पर देखने को मिल रहा है द कनेक्शन टू www.uni.exam.organizer इज नॉट सिक्योर। तो यहाँ पर कंटिन्यू टू साइड दिखाई दे रहा है, इस पर सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर सिंपली आपको एडमिट कार्ड मेन एग्जाम 2022 का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर इस तरीके का एरर देखने को मिलेगा। जैसे ही आप दोबारा बैक जाते हो तो दोबारा से वही ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, एडमिट कार्ड मेन एग्जाम 2022। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो देख सकते हो आपके सामने एक और विंडो ओपन हो चुकी है। यहाँ पर आपको यूजी सेलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पे यूजी सेलेक्ट किया, उसके बाद मैंने यहाँ पर पार्ट से आर्ट्स सेलेक्ट किया। अगर बीएससी है तो बीएससी सेलेक्ट करेंगे, अगर बीकॉम है तो बीकॉम, ठीक है ना। कस्टमर है कौन सा, जैसे अगर बीए है कर रहा है कस्टमर, या फिर बीएससी कर रहा है, या फिर बीकॉम कर रहा है। मैंने यहाँ पर बीए पार्ट सेकेंड एग्जाम 2022 को सेलेक्ट किया। उसके बाद प्रोसेस पर क्लिक करेंगे। अब प्रोसेस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर दो कैटेगरी आपको देखने को मिलती है। एक होता है मेन एग्जाम फॉर्म नंबर, अगर आपके पास फॉर्म है और उसका फॉर्म नंबर है या चालान नंबर है तो आप चालान नंबर से भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। अगर चालान नंबर नहीं है, आपका फॉर्म खो चुका है, तो आप बाय जनरल डिटेल्स पर क्लिक करके भी यहाँ पर एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो। बाय जनरल डिटेल्स पर आपको यहाँ पर टाइप करना है नेम, मदर्स नेम और जन्म तिथि, ठीक है दोस्तों। और प्रोसेस पे आपको सिंपली क्लिक करना है। तो इस तरीके से आपका एडमिट कार्ड सामने आ जाएगा। इसी तरीके से मेन एग्जाम यहाँ पर फॉर्म नंबर है तो फॉर्म नंबर डालकर भी आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। जैसा कि मैं आपको जनरल डिटेल्स के माध्यम से बताता हूँ, तो मैंने यहाँ पर टाइप किया तो दोस्तों देख सकते हो मैंने यहाँ पर नेम फिल कर दिया है, मदर्स नेम भी फिल कर दिया और जन्मतिथि भी फिल कर दी है, ठीक है दोस्तों। जैसे ही आप प्रोसेस पे क्लिक करोगे तो देख सकते हो आपके सामने यहाँ पर एडमिट कार्ड आ चुका है। तो आपको सिंपल इस नाम पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस नाम पे क्लिक करते हो तो आपके सामने यहाँ पर देख सकते हो ये एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। तो आप इसकी प्रिंट भी निकाल सकते हो या फिर इस फाइल को आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तरीके से एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जाता है। अगर आपको ये जानकारी मेरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक कमेंट शेयर करना भी ना भूलें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दे, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।